हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने फिर से आ गया हूँ बिग कैश का एक 101 पुलम के गेम प्ले लेके। तो आज की इस गेम प्ले के अंदर मैंने ऐसा एक गलती कर देता हूँ जिसके वजह से मैं गेम को हार भी सकता था, लेकिन मेरा लाग अच्छा था तो इसलिए मैंने एड में जाके गेम को जीत लिया। तो मैंने क्या गलती किया था और किस लिए मैंने इस टाइप का गलती किया था, अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहीं पर देख सकते हो मैंने बिग कैश का एक 15 रुपीज़ एंट्री का 101 पुलम में एंटर कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हो इस गेम प्ले में तीनों बंदा आया है, बाकी दो बंदा यहाँ पे आया ही नहीं, मतलब तीन बंदा से यहाँ पे गेम स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे फर्स्ट टर्न में मुझे अच्छा का नहीं मिला था तो इसलिए मैंने डब कर दिया था, और यहाँ पे ठाकुर भाने भी डब कर दिया था और यहाँ पे पीआर ने गेम को जीत लिया था। और यहाँ पे देख सकते हो सेकंड राउंड में भी मुझे अच्छा का नहीं मिला तो इसलिए मैंने यहाँ पे डब कर दिया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पीआर ने खेलता है या डब कर देता है। तो देखो यहाँ पे पीआर ने भी डब कर दिया और यहाँ पे ठाकुर भाने गेम को जीत लिया। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे 40 हो चुकी है और यहाँ पे ठाकुर भा का पॉइंट 20 है और यहाँ पे पीआर का पॉइंट 20 है। तो चले देखते हैं पे नेक्स्ट राउंड मुझे कैसा कार मिलता है। तो यहाँ पे देखो इस बार तो मुझे बहुत अच्छा कार नहीं मिला, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा कार तो मिला है, क्योंकि देखो यहाँ पे फर्स्ट लेवे सेकंड लेवे अगर यहाँ पे 2-3 वैलिड कार आ जाता है तो यहाँ पे मेरा पॉइंट 20 से नीचे आ जाएगी। तो चले देखते हैं पे क्या होता है। तो चले देखते हैं पे ठाकुर भाने क्या कार छोड़ते। तो यहाँ पे देखो ठाकुर भाने यहाँ पे क्लब का जे छोड़ दिया, उसका कोई जरूरत नहीं क्योंकि क्लब का जे ऑलरेडी मेरे पास है। तो यहाँ पे क्लोज डेक से हार्ट का ए आ गया था तो मैंने उसको होल्ड कर लिया, और यहाँ पे मैंने स्पेड का क्यू को छोड़ दिया, क्योंकि अगर यहाँ पे फॉलो करके मुझे स्पेड का 10 या स्पेड का ए छोड़ देता है तो मैंने उसको ले सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो ठाकुर भाने यहाँ पे क्लब का के छोड़ दिया, उसका कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो क्लोज डेक से यहाँ पे 2 आ चुकी है हार्ट का, तो उससे मेरा यहाँ पे और एक सिक्वेंस बन चुकी है। अभी यहाँ पे डायमंड का 10 को छोड़ देते। तो अभी यहाँ पे देखो मेरा पॉइंट 22 हो चुकी है, तो यहाँ पे अभी मेरा पहला टारगेट यही होगा मेरा पॉइंट को यहाँ पे 20 से नीचे ले आना। तो यहाँ पे देखो पी आर ने यहाँ पे क्लब का 8 छोड़ दिया और ठाकुर भाने उसको नहीं लिया, और यहाँ पे देखो ठाकुर भाने यहाँ पे क्लब का 9 छोड़ दिया, उसको मैंने ले लिया, क्योंकि देखो उसको लेने के साथ साथ यहाँ पे मेरा एक फोर्थ कार का सीक्वेंस बन चुकी है एक जोकर यूज करके। तो यहाँ पे अभी किसको छोड़ूँ, तो यहाँ पे हार्ट का 1 को ही छोड़ देते। तो यहाँ पे मैं हार्ट का 5 या 6 को भी छोड़ सकता था, उससे मेरा पॉइंट थोड़ा बहुत डाउन हो जाता, लेकिन यहाँ पे मैंने हार्ट का 1 को ही छोड़ दिया, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे हार्ट का 1 के साथ यहाँ पे 8-2-3 एक सीक्वेंस बनाया था। तो यहाँ पे 4 जोकर है तो 8-2-3 उसके बाद 4 तो नहीं आ सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हार्ट का यहाँ पे 1 को ही छोड़ दिया। और यहाँ पे अगर हार्ट का 7 आ जाता है तो यहाँ पे सीक्वेंस बन जाएगी और यहाँ पे मैं डिक्लेयर भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखो 3 आ चुकी है, तो यहाँ पे 2 अलग टाइप के 3 हो चुके हैं, तो फ्यूचर में अगर और एक 3 आ जाता है तो यहाँ पे 3 का सेट बन सकता है। अभी यहाँ पे मैं 5 या 6 को छोड़ सकता हूँ हार्ट का, तो यहाँ पे मैंने हार्ट का 5 को ही छोड़ दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 जोकर है तो इसलिए यहाँ पे हार्ट का 5 को लेने के चांस थोड़ा बहुत कम है। उसके अलावा हार्ट का 6 मेरे पास है, और यहाँ पे अगर मैं हार्ट का 6 छोड़ देता तो शायद यहाँ पे हार्ट का 6 को पीआर नहीं ले सकता था और उसका फर्स्ट लेव भी बना सकता था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हार्ट का 6 को होल्ड कर लिया और यहाँ पे हार्ट का 5 को छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे एक वैलिड कार्ड की जरूरत है, अगर यहाँ पे एक वैलिड कार्ड आ जाता है तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट डिक्लेयर कर सकता हूँ और बाकी 2 प्लेयर का पॉइंट थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो हार्ट का क्यू छोड़ दिया, उसका कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ पे क्लोज डेक से यहाँ पे डायमंड का ए आ गया था तो उसका भी कोई जरूरत नहीं है, मैंने छोड़ दिया। और यहाँ पे देखो पीआर ने डायमंड का 1 को नहीं लिया, बहुत ही अच्छा बात है। तो देखते हैं यहाँ पे पीआर ने क्या कर छोड़ते, और यहाँ पे देखो पीआर ने यहाँ पे हार्ट का ए छोड़ दिया, उसको भी यहाँ पे ठाकुर भाने नहीं लिया, बहुत ही अच्छा बात है। और यहाँ पे देखो ठाकुर भाने हार्ट का 10 छोड़ दिया, उसका कोई जरूरत नहीं। अभी यहाँ पे देखो स्पेड का 2 आ चुकी है और उससे यहाँ पे 4 कार का एक सेट बन चुकी है, और यहाँ पे मैंने हार्ट का अभी 6 को छोड़ दिया, क्योंकि अभी यहाँ पे हार्ट का 6 को रख के कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पे देखो ठाकुर भाने ओपन डेक से कार ले लिया, शायद यहाँ पे डिक्लेयर कर देगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे ठाकुर भाने डिक्लेयर करता है या नहीं। और यहाँ पे देखो ठाकुर भाने बहुत ही टाइम ले रहा है, तो शायद यहाँ पे डिक्लेयर कर देगा, लेकिन देखो यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया। और यहाँ पे ठाकुर भाने क्लब का 6 छोड़ दिया, उसका कोई जरूरत नहीं। और यहाँ पे देखो क्लोज डेक से यहाँ पे हार्ट का क्या आ गया था, उसको भी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो भी इनवैलिड कार है। और यहाँ पे देखो पीआर ने क्लोज डेक से कार लेके यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, और इसी के साथ मेरा यहाँ पे 6 पॉइंट इंक्रीज हो चुके। और यहाँ पे देखो ठाकुर भा का पॉइंट 37 हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट राउंड मुझे कैसा कार मिलता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट राउंड अभी स्टार्ट होने वाला है, और यहाँ पे देखो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे देखो नेक्स्ट राउंड का कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके। इस बार तो मुझे फर्स्ट लेव भी मिल चुके और 2 जोकर भी है, इस बार तो मैं शायद सेकेंड या थर्ड टर्न में डिक्लेयर भी कर सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे ओपन डेक्स में स्पेड का 3 था तो मैंने उसको ले लिया, क्योंकि उसको यूज करके एक जोकर यूज करके मैंने एक 4 कार का सिक्वेंस बना लिया। और यहाँ पे मैंने क्लब का क्यू को छोड़ दिया, यहाँ पे देखो 2 जोकर यूज करके मैंने और एक 4 कार का यहाँ पे सिक्वेंस बना लिया। तो अभी यहाँ पे मुझे एक वैलिड कार्ड की जरूरत है, अगर यहाँ पे एक वैलिड कार्ड मिल जाता है तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट डिक्लेयर कर सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे पास स्पेड का 1 3 है और यहाँ पे हार्ट का 1 3 है। तो अगर एक यहाँ पे जोकर आ जाता है तो उसको यूज करके यहाँ पे मैंने 3 का सेट बना सकता हूँ, या तो और एक 3 आ जाता है अलग टाइप का
तो यहाँ पे 3 का भी सेट बन सकता है और डिक्लेयर भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे अभी तो यहाँ पे और एक 10 आ चुकी है, यहाँ पे एक जोकर यूज करके मैंने एक 10 का सेट बना सकता हूँ। और यहाँ पे 3 या यहाँ पे हार्ट का के आसपास कोई कार्ड आ जाता है तो यहाँ पे डायरेक्ट डिक्लेयर भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो क्लब का 4 आ चुकी है और इससे तो मेरा यहाँ पे डिक्लेयर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे और एक जोकर को यूज करके यहाँ पे 3 का एक सेट मैंने बना लिया। अभी यहाँ पे मुझे एक वैलिड कार्ड की जरूरत है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एक वैलिड कार्ड आता है कि नहीं। और यहाँ पे देखो हार्ट का यहाँ पे 8 छोड़ दिया, उसका भी कोई जरूरत नहीं है, उससे भी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं होगा। और यहाँ पे देखो हार्ट का 6 आ चुके, उसको ही छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे हार्ट का 6 को रख के कुछ फायदा नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एक वैलिड कार्ड यहाँ पे पीआर ने छोड़ता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं इस बार पीआर ने क्या कार्ड छोड़ते हैं। और यहाँ पे देखो बहुत ही टाइम ले रहा है। और यहाँ पे देखो हार्ट का जे छोड़ दिया, उसका भी कोई जरूरत नहीं। और यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे हार्ट का 8 आ चुकी है, जिस कार का जरूरत नहीं वही कार यहाँ पे आ रहा है बैक टू बैक। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कब से बैक टू बैक इनवैलिड कार्ड आ रहा है। अगर यहाँ पे एक वैलिड कार्ड आ जाता तो कब यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता, लेकिन यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। लेकिन फाइनली यहाँ पे क्लब का 6 आ चुकी है और इसी के साथ यहाँ पे मेरा और एक सीक्वेंस बन चुकी है। और यहाँ पे मैंने 3 के साथ डिक्लेयर कर दिया। और यहाँ पे देखो पीआर का पॉइंट 50 भर हो चुकी है और यहाँ पे ठाकुर भा का पॉइंट 57 है क्योंकि उसने तो यहाँ पे डब कर दिया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट राउंड मुझे कैसा कार्ड मिलता है। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट राउंड का कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है और इस बार तो मुझे थोड़ा बहुत भी अच्छा कार्ड नहीं मिला। यहाँ पे देखो यहाँ पे फास्ट लेव नहीं है और यहाँ पे देखो एक जोकर भी नहीं है, इस बार तो मुझे डब करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं पीआर और ठाकुरबा दोनों में से किसने यहाँ पे डब कर देता है या दोनों ने यहाँ पे खेल लेता है। तो यहाँ पे देखो ठाकुरबा ने यहाँ पे ऑलरेडी खेल लिया, तो चलिए यहाँ पे डब कर देते हैं। और यहाँ पे देखते हैं पीआर ने यहाँ पे खेलता है या डब कर देता है। तो यहाँ पे देखो पीआर ने यहाँ पे खेल रहा है, तो चलिए गेम को क्विट कर देते हैं और देखते हैं यहाँ पे कौन डिक्लेयर कर पाता है। और यहाँ पे देखो मैंने गेम को क्विट कर दिया और यहाँ पे देखो ठाकुरबा ने डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे पीआर का पॉइंट 61 हो चुके, सिर्फ 7 इंक्रीज हुआ और उसका पॉइंट यहाँ पे 61 हो चुके। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट राउंड का कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, तो चलिए देखते हैं इस बार मुझे कैसा कार्ड मिलता है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट राउंड का कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, इस बार तो मुझे फास्ट लाइन मिल चुकी है और एक जोकर मेरे पास है। और यहाँ पे 9 का भी सेट बना सकता हूँ मैं, तो चलिए यहाँ पे 9 का सेट बना लेते हैं। अभी तो यहाँ पे मैं खेल सकता हूँ क्योंकि देखो अगर यहाँ पे एक वैलिड कार्ड आ जाता है ना तो यहाँ पे सेकेंड लाइफ बन जाएगी, तो मेरा पॉइंट थोड़ा बहुत डाउन हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हार्ट का 10 को ले लेते हैं, इससे मेरा सेकेंड लाइफ बन जाएगी। और यहाँ पे क्लब का क्यू को छोड़ देते हैं, तो चलिए यहाँ पे क्लब का क्यू को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने क्लब का क्यू को छोड़ दिया, यहाँ पे देखो मेरा पॉइंट कितना ज़्यादा डाउन हो चुका है, 27 हो चुके। अभी अगर यहाँ पे एक जोकर आ जाता है या यहाँ पे और एक अलग टाइप का ये आ जाता है तो यहाँ पे मैं एक का सेट बना सकता हूँ और यहाँ पे मैं 5 को छोड़ दूंगा, तो यहाँ पे देखो मेरा पॉइंट कितना ज़्यादा कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो डायमंड का यहाँ पे जे आ चुके हैं, वो इनवैलिड कार्ड है, उसको ही मैंने छोड़ दिया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एक वैलिड कार्ड आता है, उससे पहले यहाँ पे पीआर ने डिक्लेयर कर देता है। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे अभी पीआर ने डिक्लेयर कर देता है ना तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी क्योंकि मेरा पॉइंट 80 से ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी अगर मैं 9 से फर्स्ट लाइफ बना लेता हूँ ना तो यहाँ पे मैं एक का सेट बना सकता हूँ, लेकिन इसमें एक दिक्कत भी है, यहाँ पे मुझे सेकेंड लाइफ 2-3 से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 2-9 यहाँ पे बाहर आ जाएगी तो उससे पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे क्लब का 7 आ चुके और इसी के साथ यहाँ पे मैंने क्लब का 7 और 9 और जोकर यूज करके यहाँ पे सिक्वेंस बना लिया। और यहाँ पे देखो मैंने स्पेड का 5 को छोड़ दिया, तो यहाँ पे मैंने स्पेड का 5 को इसलिए छोड़ा, यहाँ पे मैंने सोचा था बाद में यहाँ पे 9 का सेट बन सकता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेड का 5 को छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं स्पेड का 9 छोड़ देता तो यहाँ पे मेरा पॉइंट 14 से नीचे आ जाता और यहाँ पे पीआर ने डिक्लेयर कर दिया। अभी मेरा पॉइंट यहाँ पे 80 से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अभी देखो यहाँ पे मेरा पॉइंट 80 से ज़्यादा हो चुके। अभी यहाँ पे मैं नेक्स्ट राउंड में ड्रॉप भी नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे मुझे खेलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे पिछले राउंड में मैं स्पेड का 9 को छोड़ देता तो अभी मेरा पॉइंट 80 से ज़्यादा नहीं होता, तो यहाँ पे मैं डब भी कर सकता था। अभी तो यहाँ पे मुझे खेलना ही पड़ेगा क्योंकि अगर यहाँ पे मैं डब भी कर देता तो भी यहाँ पे गेम से बाहर हो जाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने गलती इसलिए की है कि यहाँ पे 9 की सेट बनाने के चक्कर में मैंने मेरा जो पॉइंट था उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। तो आपको हमेशा आपका जो भी पॉइंट है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर आपका पॉइंट 66 रहता है और अगर आपने किसी भी कार्ड को छोड़ दे तो आपका पॉइंट 14 से नीचे आ जाता है, तो जरूर उस कार को आपको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस कार को छोड़ दे तो उसके बाद अगर किसी ने डिक्लेयर कर देता है तो आपका पॉइंट 80 से ज़्यादा नहीं होगा, तो इससे क्या होगा बाद में आप एक बार डब भी कर पाओगे। तो इसलिए ऐसा गलती आपको नहीं करना है, मैं भी ज़्यादातर ऐसा गलती नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पे 9 की सेट बनाने के चक्कर में ऐसा गलती मेरे से हो गया। जो हो गया उसको छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे इस राउंड में मेरा पहला टारगेट यही रहेगा, मेरा पॉइंट को यहाँ पे 18 से नीचे ले आना है। क्योंकि अगर यहाँ पे मेरा पॉइंट को 18 से नीचे ले आता हूँ तो यहाँ पे अगर किसी ने डिक्लेयर कर देता है तो मैं गेम से बाहर नहीं हो जाऊंगा। और यहाँ पे देखो मेरा पॉइंट अभी 15 हो चुकी है, तो अगर यहाँ पे किसी ने डिक्लेयर कर देता है तो यहाँ पे नेक्स्ट राउंड तक मैं सर्वाइव कर जाऊंगा। और यहाँ पे देखो डायमंड का 6 आ चुकी है, अभी यहाँ पे क्लब का 3 को छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे मुझे एक वैलिड कार्ड की जरूरत है, अगर यहाँ पे एक वैलिड कार्ड आ जाता है तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे देखो डायमंड का 4 आ चुकी है, तो इसी के साथ यहाँ पे मैंने 4 का सेट बना लिया, तो जोकर यूज करके और एक सीक्वेंस बना लिया, तो यहाँ पे मैंने हार्ट का 6 के साथ डिक्लेयर कर दिया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे
ठाकुर भाका कितना पॉइंट इनक्रीज होता है, तो यहाँ पे देखो ठाकुर भाका से 12 पॉइंट इंक्रीज हुआ और उसका पॉइंट यहाँ पे 89 हो चुकी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट राउंड में मुझे कैसा कार्ड मिलता है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट राउंड का कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके और देखो इस बार तो फर्स्ट लाइफ मिल चुके हैं मुझे 234 और यहाँ पे सेकेंड लाइफ भी है JQ के, लेकिन यहाँ पे एक भी जोकर नहीं है। अगर यहाँ पे एक जोकर आ जाता ना तो बहुत ही अच्छा हो जाता। तो अभी यहाँ पे देखो ठाकरबा और पियर दोनों को ही खेलना पड़ेगा क्योंकि दोनों का ही पॉइंट यहाँ पे 80 से ज़्यादा हो चुके हैं। और यहाँ पे देखो ठाकरबा ने हार्ट का 2 छोड़ दिया, उसको ले लेते हैं। और यहाँ पे और एक सिक्वेंस मैंने बना लिया, अभी यहाँ पे स्पेड का K को छोड़ देते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो मेरा पॉइंट कितना ज़्यादा डाउन हो चुकी है, अभी यहाँ पे मेरा पॉइंट 19 हो चुकी है। अगर यहाँ पे मेरा पॉइंट को और एक डाउन कर पाता हूँ 18 कर लेता हूँ और उसके बाद किसी ने यहाँ पे डिक्लेयर कर देता है तो मैं नेक्स्ट राउंड तक सर्वाइव कर जाऊँगा। और यहाँ पे देखो ठाकुर भाई ने यहाँ पे स्पेड का एक को छोड़ दिया, उसको मैंने यहाँ पे ले लिया क्योंकि उसको यूज़ करके मैंने यहाँ पे 4 कार्ड का एक सीक्वेंस बना लिया। अभी यहाँ पे मुझे एक वैलिड कार्ड की जरूरत है। और यहाँ पे देखो मेरा पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे 10 हो चुके, अगर अभी यहाँ पे किसी ने डिक्लेयर कर देता है तो मेरा पॉइंट यहाँ पे 100 से ज़्यादा नहीं होगा और मैं गेम से बाहर नहीं हो जाऊँगा। तो अभी यहाँ पे एक वैलिड कार्ड की जरूरत है। तो यहाँ पे देखो डायमंड का 2 आ चुकी है तो उसको यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे 4 को छोड़ देते हैं। यहाँ पे स्पेड का 4 को छोड़ूँ या यहाँ पे हार्ट का 4 को छोड़ूँ, यहाँ पे हार्ट का 4 को ही छोड़ देते हैं क्योंकि अगर यहाँ पे और एक अलग टाइप का 4 आ जाता है तो यहाँ 4 का सेट बना सकता हूँ और यहाँ पे 2 का सेट बना सकता हूँ और यहाँ पे 3 के साथ डिक्लेयर भी कर सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और अगर यहाँ पे और एक 2 आ जाता है अलग टाइप का तो यहाँ पे 2 का सेट बना के यहाँ पे 4 के साथ डिक्लेयर कर सकता हूँ। और यहाँ पे पियर ने ओपन डेक से कार्ड ले लिया और यहाँ पे बहुत ही टाइम ले रहा है और यहाँ पे देखो पियर ने डिक्लेयर कर दिया। तो चलिए देखते हैं ठाकुर भा का कितना पॉइंट इंक्रीज होता है। मेरा पॉइंट तो यहाँ पे 80 इंक्रीज होकर 90 हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं ठाकुर भा गेम से बाहर होता है या नहीं। तो यहाँ पे देखो ठाकुर भा का पॉइंट 100 से ज़्यादा हो चुकी है और यहाँ पे ठाकुर भा ने गेम से बाहर हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट राउंड में मुझे कैसा कार्ड मिलता है, क्योंकि अगर इस राउंड में मुझे थोड़ा बहुत अच्छा कार्ड मिल जाता है तो यहाँ पे पीआर को गेम से बाहर करके गेम को जीत सकता हूँ। और यहाँ पे देखो इस राउंड का कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। इस बार तो मुझे बहुत अच्छा कार्ड नहीं मिला क्योंकि देखो यहाँ पे 2 सेट बन सकता है, यहाँ पे एक 10 का सेट और एक यहाँ पे 1 का सेट, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट लाइम नहीं है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट लाइम मिलता है कि नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे फर्स्ट लाइम नहीं मिलता है और यहाँ पे पीआर ने डिक्लेयर कर देता है तो मैं डायरेक्ट गेम से बाहर हो जाऊँगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे देखो पीआर ने यहाँ पे क्लब का 8 छोड़ दिया, उसका कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखो क्लब का 3 आ चुके क्लोज डेक से, तो यहाँ पे क्लब का क्यू को ही छोड़ देते। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे डायमंड का जे और यहाँ पे स्पेड का क्यू को नहीं छोड़ा क्योंकि देखो यहाँ पे मेरा पॉइंट 90 हो चुकी है। अगर यहाँ पे डायमंड का जे या यहाँ पे स्पेड का क्यू को छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे मेरा पॉइंट 10 से नीचे नहीं आएगी। और उसके अलावा यहाँ पे डायमंड का क्यू और स्पेड का जे के साथ यहाँ पे मेरा फर्स्ट लेव भी बन सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायमंड का जे और स्पेड का क्यू को होल्ड कर रहा हूँ और यहाँ पे छोटा छोटा कार्ड को ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे मैं फर्स्ट लेव बनाता हूँ तो ही यहाँ पे मेरा पॉइंट 10 से नीचे आ सकता है और उसके बाद अगर यहाँ पे पीआर ने डिक्लेयर करता है तो मैं नेक्स्ट राउंड तक सर्वाइव कर सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे मैं जे या क्यू को छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे मेरा पॉइंट 10 से नीचे नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जे और क्यू को होल्ड कर रहा हूँ ताकि बाद में अगर फर्स्ट लेव बन जाता है तो यहाँ पे मेरा पॉइंट 10 से नीचे आने की एक चांस रहेगी। लेकिन अभी यहाँ पे देखो 2 आ चुके हैं और यहाँ पे अभी जो 2 है ना तो उसमें भी यहाँ पे फर्स्ट लेव बन सकता है, तो इसलिए अभी यहाँ पे मैंने जे को छोड़ दिया। और यहाँ पे देखो स्पेड का ए आ चुके और इसी के साथ यहाँ पे मेरा फर्स्ट लाइफ बन चुकी है। अभी यहाँ पे देखो फिर भी मेरा पॉइंट यहाँ पे 24 है, तो अभी यहाँ पे ए को ही छोड़ देते हैं क्लब का। तो यहाँ पे देखो अभी मेरा पॉइंट 14 हो चुकी है। अभी यहाँ पे मुझे कोशिश यही करना है मेरा पॉइंट को यहाँ पे 10 से नीचे ले आना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे देखो जोकर आ चुकी है और इसी के साथ यहाँ पे ए के साथ करते हैं डिक्लेयर और देखते हैं पीआर का कितना पॉइंट इंक्रीज होता है। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे पीआर का पॉइंट 100 से ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे देखो उसका पॉइंट 136 हो चुकी है और यहाँ पे मैंने गेम को जीत लिया और यहाँ पे लगभग मुझे 40 रुपीज़ मिल चुकी है। तो यहाँ पे देखो इस गेम प्ले में मैंने गलती किया था, लेकिन बाद में मुझे थोड़ा बहुत अच्छा कार्ड मिल गया, मेरा लाग अच्छा था तो इसलिए मैंने जीत गया। लेकिन हमेशा आपका लाग अच्छा रहेगी ऐसा तो नहीं होगा, तो इसलिए हमेशा आपको आपका जो पॉइंट है उसको देख के ही गेम प्ले करना है ताकि आपसे गलती ना हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही। अगर आज की इस गेम प्ले से आपको थोड़ा बहुत मजा आया तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि अगली ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, मिलते अगली वीडियो में।